महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाएं चला रहे हैं। इन योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने में बीजेपी महिला मोर्चा भी सहभागिता निभाएगी। महिला मोर्चा की एक पदाधिकारी 75 महिलाओं को जोड़ेंगे और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। साथ ही 7 अक्टूबर को प्रदेश की सभी राशन दुकानों पर हितग्राहियों को राशन बांटा जाएगा और हितग्राहियों से पोस्ट कार्ड लिखवाए जाएंगे। इन पोस्ट कार्ड पर पीएम मोदी को धन्यवाद लिखवाया जाएगा। मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने पूरी रणनीति की जानकारी दी। कार्य समिति देहरादून में जो निष्कर्ष निकला है, पहला निष्कर्ष तो ये है कि हमारी जितनी पदाधिकारी हैं, एक एक बहन 75 बहनों को जोड़ेगी, उन 75 बहनों को उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी जो भी असुविधा है, उनको जो भी प्रॉब्लम, उन सब चीजों का निराकरण करने का काम करेंगे। एक है ई केंद्र, शिक्षा के माध्यम से, रोजगार के माध्यम से, सशक्तिकरण के माध्यम से और उद्यमशीलता के माध्यम से महिला मोर्चा की एक एक कार्यकर्ता बहन, उन बहनों को हर क्षेत्र में वो पूर्ण रूप से निपुण हो और हर क्षेत्र में अपनी बेबाकी से अपनी बात को रख सकें, ये कार्य भी महिला मोर्चा अपने हाथ में लेगा। एक और कार्य 100 पोस्ट कार्ड वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, वो 100 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, प्रधानमंत्री जी को बधाई, महिला मोर्चा 100 पोस्ट कार्ड लिखकर हर राशन की दुकान से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित करेगा।